विकासखंड राया के सभागार में शासन के निर्देशों के अनुपालन में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीमती जमुना गौतम, प्रधानाचार्य प्रेमलता इंटर कॉलेज, खंड शिक्षा अधिकारी श्याम कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी अंशु राठी, रुचि सक्सेना, संध्या चौहान, ब्लॉक प्रतिनिधि रण सिंह द्वारा माँ सरस्वती के चित्रपट के समक्ष माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। महिला शिक्षा चौपाल खंड शिक्षा अधिकारी राया द्वारा बालिका शिक्षा के संबंध में समस्याओं और उनके निराकरण के संबंध में प्रकाश डाला। एआरपी प्रमोद वर्मा द्वारा बालिकाओं की शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। अभिभावकों से अपील की गई कि वो बालिकाओं को अवश्य विद्यालय भेजें। समग्र शिक्षा के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्तिकरण करने के लिए जागरूक किया गया। एसआरजी अमित कुमार ने कहा कि शासन बालिकाओं के लिए बहुत सारी योजना चला रहा है। बालिकाओं के अधिक से अधिक विद्यालय में नामांकन कराने चाहिए। इससे पूर्व छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। इस दौरान अशोक सारस्वत, सुरेंद्र कुमार चौधरी, पुष्प मित्र गौतम, प्रमोद वर्मा, विवेकशील भारती, राजकमल ममता, गोवर्धन दास गुप्ता संकुल, शिक्षक नेहा सिंह, चंदन सिंह, शशि शर्मा, राजेश पारिक, दीपक तिवारी, रश्मि शर्मा, भगवान दास, प्रेम शंकर ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन मुकेश अग्रवाल ने किया। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो बालिकाएं गाँव में नहीं पढ़ पाती, आउटडोर स्कूल रह जाती हैं, सभी बच्चियां पढ़ें, जिससे जो है समाज का विकास हो और देश का विकास भी हो। नारी शक्ति की जागरूकता के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया है। किन किन विद्यालय से ये कार्यक्रम? हमारे यहाँ जितने भी जूनियर हाई स्कूल हैं, सभी से एक एक विद्यालय से एक बच्चे को बुलाया गया और इनका टीचर आया। परीक्षा से भी जाते हैं, सभी विद्यालय।